नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है कि साइबर फ्रॉड की जो जानकारियाँ होती हैं अवेयरनेस के संबंध में, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग जागरूक होते रहें। तो ऐसे ही एक नया फ्रॉड आया है सामने, कई ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें फरियादियों ने बताया कि हमारे साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। तो ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी दुकानें होती हैं। दुकानों का मतलब सीमेंट की दुकान, बांस बल्ली की दुकान, या कोई मिठाई की शॉप, या ऐसी दुकानें जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लेन देन करते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। करते क्या हैं ये आपको ऑनलाइन कहीं से भी आपका मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेंगे। मोबाइल नंबर प्राप्त करने के बाद आपको ऑर्डर देने के नाम पे आपको फ़ोन लगाएंगे। फ़ोन लगाने के बाद आपको बोलेंगे कि मेरा बच्चा या मेरा भाई आपकी दुकान पर आ रहा है और 20,000 रुपये का आपका सामान हुआ है, तो मैं आपको 2,000 रुपये या 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए दे रहा हूँ, बाकी क्या वो कैश दे देगा आपकी। तो दुकानदार भी भरोसा कर लेता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो भरोसा कर लेता है। उसके बाद वो पैसे भी भेजता है, तो पैसे भेजने की जगह वो आपको एक टैक्स मैसेज भेजेगा जिसमें आपका लिखा होगा कि 20,000 रुपये, 2,000 बोलेगा, 20,000 भेजने का एक टैक्स मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दुकानदार है, बिजी रहता है, दुकान में और भी ग्राहक खड़े होते हैं, तो वो नहीं इतना ध्यान दे पाता कि पैसे आए या नहीं आए, तो वो टैक्स में ऐसे देख के समझ जाता है कि पैसे आ गए होंगे। फिर वापस से फ़ोन लगाएगा वो आपको बोलेगा कि वो सर गलती हो गई मुझसे, मैंने 2,000 भेजने थे और 20,000 आपके पास पहुँच गए, तो आप एक काम कीजिए मुझे 15,000 वापस कर दो, बाकी के 5,000 रुपये जो वो लेके आएगा भाई वो कैश दे देगा। तो ग्राहक को मान के वो भी दुकानदार भी पैसे वापस कर देता है और इस तरह से फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे फ्रॉड बहुत आजकल देखने में आ रहे हैं। तो यदि आप ऐसे दुकानदार हैं जो ऑनलाइन लेन देन का काम करते हैं या ग्राहकों से आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि या तो आप एक मोबाइल को इस तरीके से रखें अपने सामने जिसमें दिखाई दे तरह के ट्रांजैक्शन जो किया है सामने वाले ने, मुझे रिसीव हुआ है नहीं हुआ, या फिर जो साउंड बॉक्स होते हैं उन्हें आप लगा के रखें, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन होगा तभी वो बोलता है, बाकी वो बोलता नहीं है। तो टैक्स मैसेज आएगा तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि नॉर्मली ऐसे लोगों से डील करते हैं, ग्राहकों से डील करते हैं, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो धन्यवाद, सतर्क रहें, सावधान रहें।